देश की माटी के लिए कुर्बान हुए सूबेदार अजय सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। भारी बरसात के बावजूद क्षेत्र की भारी भीड़ सहित को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके गांव रामपुर पहुंची। सैन्य सम्मान के साथ अजय रौतेला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान टिहरी जिले के अजय रौतेला शहीद हो गए थे। अजय रौतेला की शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव रामपुर में मातम सचा गया। आज सोमवार को शहीद अजय रौतेला का शव उनके गांव लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं आज ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अजय रौतेला को अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे गांव को जो है बहुत दुख के साथ फख्र भी हो रहा है कि हमारा अपना एक बेटा, अपना एक भाई आज जो है इस भारत माता के काम आया और देश के लिए जो है अपने प्राणों की जो है उन्होंने जो है अपनी आहुति दी है। लेकिन आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है पूरे जनमानस में कि पाकिस्तान को जो है सबक मिलना चाहिए। वो आए दिन जो है हमारी सीमाओं के अंदर घुसकर जो है लगातार आतंकवादी गतिविधियों को जो है बढ़ावा दे रहा है और हमारे निर्दोष जो हैं सैनिक जो हैं आए दिन जो हैं शहीद हो रहे हैं। इसलिए एक बार जो है पाकिस्तान का जो है नस्तो नाबूद जो है मिटा देना चाहिए, ताकि जो है ऐसे भविष्य में भी ऐसी घटनाएं न घटें और भारत माँ का जो सीना है जिसको ये आतंकवादियों ने जो है आज छलनी करके रखा हुआ है और ये शहीद जो निर्दोष जो हैं वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, इनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी और ये देश हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान का जो है बिल्कुल खात्मा होगा वहाँ। बहुत बड़ा नुकसान होता है इस तरह से अजय रौतेला की शहादत थी, पूरा राष्ट्र ने लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और ऐसी मौतें बहुत कम लोगों में मिलती हैं, हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ पर ये पढ़े थे उसका नाम शहीद अजय रौतेला के नाम से रखा जाएगा, जजल का नाम, ताकि उनकी याद को चिरस्थायी बना सके। कहने को अभी कोई शब्द नहीं है, इतना दुख हुआ है कि इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही साथ में गर्व भी है जो मेरे भाई हैं देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इस चीज़ का गर्व है। लेकिन उनकी कमी हमेशा में चलती रहती है।